मॉर्निंग डॉक्टर जी, हमारे पास कुछ पेशेंट्स का डाउट्स है जिनको आईटीपी है और प्लेटलेट फ्लो है, सो उनके बारे में मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। सो पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर मैं 30 साल की हूँ और एक हफ्ते से मेरा चमड़े पे लाल लाल धब्बे आ रहे हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? ओके, सो जब भी चमड़ा पे लाल लाल धब्बे आते हैं, ये हम बोलते हैं स्किन में ब्लीड हुआ ऐसा बोलते हैं। सो लाल लाल धब्बे अनेक कारण से आ सकते हैं, उसमें बहुत कॉमन कारण है प्लेटलेट का। जब भी प्लेटलेट कम होता है तब हमको डिफरेंट डिफरेंट ब्लीडिंग सिम्टम्स आते हैं, उसमें एक चमड़े पे जो लाल लाल धब्बे आते हैं ना, वो भी एक सिम्टम होता है, उसको हम पेटिकिया और एकिमोसिस बोलते हैं। पेटिकिया क्या होते हैं, जब भी चमड़े पे पेंसिल डॉट साइज़ पे छोटे छोटे आते हैं उसको पेटिकिया बोलते हैं। जब ये धब्बे बड़े होते हैं जैसे कॉइन शेप होते हैं बड़े बड़े वाला, उसको एकिमोसिस बोलते हैं। ये दोनों भी प्लेटलेट जब बहुत कम हो जाता है, जब 30,000 के नीचे आ जाता है, तब आने वाला लक्षण है। इसके साथ साथ कुछ पेशेंट्स को मुंह में ज़्यादा ब्लीडिंग होना, गम्स ब्लीडिंग ज़्यादा होना, सो नाक से ज़्यादा ब्लीडिंग होना, और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है, कुछ बार एक्सेस मेंसस ब्लीडिंग हो सकता है, और पेशाब में खून आ सकता है, मोशन में खून आ सकता है। सो ऐसा भी सिम्टम्स होते हैं प्लेटलेट का। कुछ बार प्लेटलेट का प्रॉब्लम छोड़ के बाकी क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। सो हमारा खून जब भी हमको चोट लगता है वो कुछ देर के बाद बंद हो जाता है ना, सो क्यों बंद होता है, प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर्स दोनों मिलके खून को बंद करता है। सो जब भी हमको ज़्यादा ब्लीडिंग होता है उसका कारण प्लेटलेट का कमी के वजह से हो सकता है, और क्लॉटिंग फैक्टर में डिस्टर्बेंस भी होता है। 12 तरह की क्लॉटिंग फैक्टर्स में फैक्टर 8 फैक्टर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कुछ बार ये फैक्टर्स कमी होने से भी हमको ऐसा सिम्टम्स जैसे चमड़ा पे लाल लाल धब्बे है ना, वो भी आ सकता है। कुछ बार ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स है, सो वैस्कुलाइटिस बोलते हैं, सो तब भी चमड़े पे लाल लाल धब्बे आ सकते हैं, वो थोड़ा अलग दिखते हैं। जो हमारा पेशेंट है वो उसको लाल लाल धब्बे आ रहे हैं और कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, शायद प्लेटलेट का बीमारी हो सकता है। जब ये बचपन से बार बार आ रहा है तो फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स में प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि जो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रॉब्लम है ना वो बचपन से ही आता है हमको। और ये ऑटो इम्यून डिसीज़ भी कारण हो सकता है, मगर वो पेशेंट को बाकी कोई सिम्टम्स नहीं है। ऑटो इम्यून डिसीज़ में क्या लक्षण होता है, जॉइंट पेन्स आते हैं, घुटनों में दर्द आता है, सूजन आता है, और हेयर लॉस ज़्यादा होता है, और चमड़ा पे थोड़ा चेंजेस, लाल लाल धब्बे छोड़ के बाकी कुछ ड्राई हो जाना, स्किन टाइट हो जाना, ऐसा भी सिम्टम्स आ सकता है, मगर वो कोई लक्षण नहीं है उसको। शायद मुझे लग रहा है कि वो पेशेंट को ज़्यादा प्लेटलेट कमी के वजह से ऐसा लक्षण आ रहा है। तो ये हम जो स्किन ब्लीड है, आप जो बोले पेटिकियल रैशेस और एकोमोसिस, तो उसको कुछ सीरियस ले सकते हैं? सो सीरियस ब्लीड क्या है ये क्वेश्चन है। अब समझो कि ये प्लेटलेट के कमी के वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, तब मालूम होने चाहिए कि कब ये सीरियस ब्लीडिंग हो सकता है। नॉर्मली जो भी प्लेटलेट का कमी होने का लक्षण हमको दिखता है जब 30,000 के अंदर आने से आता है। जब 30,000 के अंदर आने से मोस्ट कॉमन सिम्टम, बहुत साधारण लक्षण है कि चमड़े पे लाल लाल धब्बे, ठीक है। इसके बाद जब भी और कम हो जाता है ना, तब सीरियस ब्लीडिंग होने का चांसेस है। यूजुअली चमड़े पे लाल लाल धब्बे ज़्यादा सीरियस ब्लीडिंग नहीं लेते। जब ये लाल लाल धब्बे मुंह के अंदर आते हैं, ठीक है, मुंह के अंदर बड़े बड़े लाल लाल धब्बे आए, तब वो सीरियस सिम्टम हो सकता है। और इंटरनल ब्लीडिंग, जब पेशाब में खून आना शुरू होता है, मोशन में खून आना शुरू होता है, वो भी थोड़ा सीरियस ब्लीडिंग लेते हैं। नॉर्मली ये चमड़ा पे जो लाल लाल धब्बे आते हैं ना, इतना सीरियस ब्लीडिंग नहीं है। कुछ बार ये लाल लाल धब्बे बहुत बड़े बड़े होते हैं, एकिमोसिस बोलते हैं, पूरा हाथ जो ऐसा लाल लाल धब्बे पैच बहुत फास्ट फैलता है, बहुत जल्दी फैलता है, वो थोड़ा सीरियस हो सकता है। छोटा छोटा लाल लाल धब्बे, ज़्यादा डरने का जरूरी नहीं, फिर भी कारण को पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है।